क्या छूट गया? जो छूट गया, अगर यार छूट कैसे गया, पढ़ा तो गया बैच में, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? अरे मैं सीरियस हो जाऊंगा, डांट दूंगा बहुत कस के, तुम्हारा छूट कैसे रहा यार प्रयास बैच के अंदर? डिटेल में इतना कंटेंट पढ़ाते, तुम्हारा छूट कैसे जा रहा है? क्या मक्कारी करो, तुम्हारा छूट कैसे रहा है सिलेबस? यहां घर बैठ के स्कूल भी नहीं जा रहे हो इस साल, तो तुम क्या बहाना है अब तुम्हारे पास जीवन में? जेन्युइन प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा, पर तुम यहां पे मक्कारी करोगे, काम चोरी करोगे तो डांट खा जाओगे। बहुत मेहनत से ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तुम्हारे से बच्चों के लिए बनाया कि सेलेक्ट होके जाओ। इतने बच्चे इस बार सेलेक्ट हुए, इतनी अच्छी अच्छी रैंक निकाल के गए हैं, कैसे छूट रहा है? छूट रहा है तो यहां पे है ना, जाके इधर से देख लो, इसका एक्सेस है ना, यहां से स्टार्ट करो। ये नहीं चलेगा बेटा जो आप बात कर रहे हो। अपने गलतियों की जो तुम जो अपना ब्लेम है ना, वो तुम दूसरे के ऊपर डाल दोगे, ऐसे नहीं सेलेक्ट हो पाओगे यार। खेलते रहो ब्लेम गेम, क्या फर्क पड़ेगा? लास्ट में तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, साल तुम्हारा बर्बाद होगा। एक साल बचा है ये देखो, इसके बाद तुमको पता है ये नीट तो है नहीं कि अटेम्प्ट फिर से मिलेगा। एक साल है, स्कूल स्कूल कुछ नहीं है, जीवन का पूरा एक साल है, क्या कर रहे हो उसमें? थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं सर, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो बच्चा ये कर रहा है ना कि थोड़ा सा हम यार इंस्टा भी चला लेते हैं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी घूम लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, वो सेलेक्ट तो नहीं होगा और उसे दुख बहुत होगा, उसे दुख बहुत होगा। क्योंकि कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, पूरे टाइम अपना सोशल मीडिया पे लगा होगा, यूट्यूब पे लगा लगा वीडियो देख रहा होगा, दोस्तों के साथ चिटचैट मजे कर रहा होगा, लगातार वो अपना वो गेम खेल रहा होगा, मोबाइल गेम खेल रहा होगा, हैं? वो भी सिलेक्ट नहीं होगा, पर उसे दुख नहीं होगा बेटा। आपको दुख होगा क्योंकि आप साथ में मेहनत भी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी जो काम चोरी कर रहे थे उसकी वजह से सिलेक्ट नहीं होंगे, तो आपको असल में दुख होगा। जो पढ़ाई नहीं कर रहा, पूरी मस्ती कर रहा है, उसको तो पता है वो सेलेक्ट नहीं होने वाला है, वो तो रिजल्ट आया पेपर देके आएगा, बोलेगा हाँ नहीं हुआ सेलेक्ट, पता था मुझको नहीं होना है सेलेक्ट। आपके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपको थोड़ी सी उम्मीद है,